हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आज की नई वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे स्विच स्टेटमेंट के प्रोग्राम के बारे में। एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के देखेंगे रेटिंग के ऊपर। ओके, अब आते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अब आगे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले इसमें देखिए प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले इसमें हमारी हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड स्टूडियो टच, हैज़ इंक्लूड कोडिंग टच, कंसोल इनपुट आउटपुट और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। फिर वॉइड मेन हमारा मेन फंक्शन की, हमारा यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। इंट के अंदर हमने रेटिंग दिए, ठीक है, और प्रिंट एफ में हमने दिया एंटर एंटर योर रेटिंग 1 से लेकर 5 तक। हमें एंटर करनी है रेटिंग की, हमें कितनी रेटिंग देनी है। ओके, इससे स्कैन एफ में परसेंटाइल डी, क्योंकि हमने इंट यूज़ किया है, और एंड रेटिंग एड्रेस दे दिया रेटिंग के लिए, ठीक है। और स्विच में हमने दे दिया रेटिंग। अब मैंने कल आपको बताया था कि स्विच के साथ हमें कोई भी देना पड़ता है एक्सप्रेशन में। ओके, अब सबसे पहले केस वन क्या है। केस वन अगर हम कोई भी सबसे पहले रेटिंग होगी 1, फिर ब्रेक लगा दे। ब्रेक क्यों लगाया कि हमारे अगर हमने रेटिंग 1 की दी तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर केस टू में हमने 2 की रेटिंग दी, फिर केस थ्री में हमने 3 की रेटिंग दी, केस फोर में हमने 4 की रेटिंग दी, केस फाइव में हमने 5 की रेटिंग दी। सबके साथ हमने ब्रेक इसलिए लगाया कि अगर हमने 5 1 की रेटिंग दी तो वहीं रुक जाएगा और बाहर आ जाएगा, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट से। ओके, अब जो है अब इसमें आगे देखिए, 5 तक की रेटिंग के बाद उसके बाद हमने डिफ़ॉल्ट में वैल्यू गिरी कि अगर इनमें से कोई सी वैल्यू अगर नहीं हुई, हमने 1 भी नहीं दिया, 2 भी नहीं दिया, 3 भी नहीं दिया, 4 भी नहीं दिया, 5 नहीं दिया, तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, इनवैलिड रेटिंग, कि हमें से इसमें से कोई भी नहीं। इसके बाद भी ब्रेक लगा दे, लास्ट में गैस सीवेज लगा दे हमने अपनी कंसोल स्क्रीन को होल्ड करवाने के लिए। ओके, इसी तरह से हमने इसमें 5 केसेस बनाए और एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिए, अगर इनमें से कोई सी भी रेटिंग नहीं होगी तो हमारा वो शो हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। ये देखिए, सबसे पहले मैंने इसमें प्रिंट करवाया 1, तो रेटिंग आ गई 1, उसके नीचे कोई भी हमारा स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हो क्योंकि हमने वहाँ पे ब्रेक यूज़ कर रखा था। दूसरे नंबर पे मैंने 2 को प्रिंट करवाया तो दूसरा, या योर रेटिंग इज़ 2, 3 योर रेटिंग इज़ 3, 4 नंबर पर योर रेटिंग इज़ 4, और योर और 5 पे योर रेटिंग इज़ 5, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसमें 6 गेरा, 6 के हमने इनवैलिड रेटिंग चेक करने के लिए, अब हमने 6 का कोई भी हमने नहीं दिया था इसके अंदर, तो इसने हमें इनवैलिड रेटिंग दे दी। ओके, इसी तरीके से आप भी इसे करके देखिए, इसी प्रोग्राम को करके देखिए, और इससे थोड़े से एडवांस मैं और दूंगा आपको। ओके, और करके दिखाऊंगा, आप उनको वो भी करके देखिए स्विच स्टेटमेंट में। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और कुछ भी अगर समझ में ना आए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री कोर्सेज, यूडीमी के फ्री कोर्सेज का लिंक मिल जाते हैं, उन्हें ज़रूर एनरोल कर लें। ओके, थैंक यू।